जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव हैं हम, और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं कि आज इस समय मौजूद हूं वार्ड नंबर 53 के अंदर, और पुण्यतिथि है श्री अनीश जैन जी की, जिसमें बहुत से यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं उनकी पुण्यतिथि को जो है मनाने के लिए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वहीं श्री किशन ठाकुर जी भी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जो कि पूरे भारत में, इनका मुझे जो है परिचय देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पूरे भारत में वैसे ही जो है चर्चित हैं और अपने प्रवचनों के कारण, अपने विचारों के कारण और यहां पर पहुंचे हैं, और बड़े भावपूर्ण शब्दों में इन्होंने भी जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की है। एक बार बात कर लेते हैं किशन जी से। नमस्कार ठाकुर। यहाँ के निगम पार्षद रहे स्वर्गीय श्री अनीश जैन जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। वो केवल एक जन नायक ही नहीं, एक नेता ही नहीं, मैं कह सकता हूँ एक सहजता सरलता की चलती फिरती एक प्रतिमूर्ति थे। उनके द्वारा इस क्षेत्र में जो किए गए सेवा के कार्य हैं, बहुत सारे पार्षद हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में किए होंगे, क्योंकि पार्षद इलेक्ट ही इसलिए होता है, पार्षद है विधायक, वो स्वाभाविक बात है। लेकिन उस कार्य के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं उस कार्य से अलग अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनकी सहजता, उनकी सरलता, 24 घंटे उपस्थित रहना, रात को 12 बजे 1 बजे भी वो लोगों की कार्य के लिए चल देते थे। इस क्षेत्र में मेरा 15-16 वर्षों से आना है, लेकिन मैंने जब भी उनको देखा सेवा में लगे देखा, हम कई बार उनको कहते थे जैसे श्री हनुमान जी की तरह तो कोई नहीं हो सकता, हनुमान जी तो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, लेकिन हनुमान जी के पग चिन्हों पर चलने का वो प्रयास करते थे। निराभिमान होकर उन्हें सेवा करना, और जो मानस की एक सूक्ति है सिया राम मैं सब जग जानी, इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनसे व्यक्तिगत द्वेष या बैर भी पाल लिया। बिल्कुल, वो लाइन ही ऐसी है। लेकिन अनीश जैन जी ने प्रत्युत्तर में उनको प्रेम दिया। ये बात आज के राजनीति के भावी युवाओं को सीखने जैसी है। वो राजनीति के अपने शत्रु के साथ भी मैत्री भाव रखते थे। इस क्षेत्र में बहुत बार श्रीमद् भागवत राम कथाओं का आयोजन जो हमारी संपूर्ण टीम करती थी, उस संपूर्ण टीम को वो नेतृत्व प्रदान करते थे, तो मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता भी होती है। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित भी रहता था कि कथा का जो काम है वो बड़े एक अलग प्रकार का कार्य है, वहाँ भक्ति भावना है, लेकिन राजनेता से एक भक्त के रूप में एक सेकंड में ही वो प्रतिष्ठित हो जाते थे। आज आए हुए अतिथियों ने उन्हें याद किया है, और निश्चित रूप से आज वो सशरीर हम सब के बीच में उपस्थित नहीं है, पर मेरा मानना है उनकी सेवा, उनकी शिष्टता, उनका जो चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, शरीर की तो एक आयु है, एक अवस्था के बाद तो शरीर किसी का भी जीवित नहीं रहता, हमारे अवतारीय पुरुष हैं, उन्हें भी छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन उनके कृतित्व, उनका व्यक्तित्व वो लोगों के हृदय में स्मरणीय है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज अनीश जैन जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ शब्दों के द्वारा, और उन व्यक्ति के काम को शब्दों के द्वारा तोलना बड़ा मुश्किल है। वो व्यक्ति जो भी काम करते थे हृदय से करते थे, शब्दों से नहीं करते थे। इतने काम, इतना संगठन खड़ा करना और इस वार्ड में एक समरसता पैदा करके सब कार्यकर्ता को साथ लेकर चलना उनके कार्य की अनुभूति थी, और इस श्रेणी में वो एक विशेष कार्यकर्ता के रूप में कहे जाते थे। मेरे पास दिल्ली प्रांत का काम रहा, कई जगह मुझे जाना होता था, लेकिन जिस प्रकार की सौम्यता इस वार्ड के अंदर देखी वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने दीप प्रदान करी, और यही कारण है कि आज भी जब कार्यकर्ता उनका नाम लेता है या उनके नाम पर करता है तो उन्हें लगता, हम लोगों को लगता है कि एक सज्जन व्यक्ति के अलावा व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति को क्या गुण चाहिए, सामाजिक गुण क्या होने चाहिए, धार्मिक गुण क्या होने चाहिए, पारिवारिक गुण होने क्या चाहिए, ये सब चीज़ें उस व्यक्ति के अंदर दिखती थी, और यही कारण था कि वो जब व्यक्ति परिवार की बात आती है तो परिवार के लोग मेरे याद करते हैं, समाज की जब बात आती है तो समाज के लोग याद करते हैं, राजनीति की जब बात याद आती है तो राजनीति का उदाहरण के रूप में लोग याद करते हैं। हर क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने अगर प्रगति करी तो उसमें एक अनीश जैन जी का नाम है, और उनके नाम की प्रेरणा ही हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी हुआ है। आज की तिथि में जिस प्रकार एक करुणा के ग्रास, काल ग्रास ने उनको हमसे ले लिया, वो व्यक्ति हमेशा याद आते रहेंगे और उनके काम हमेशा याद आते रहेंगे, और परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें बहुत बहुत अपनी, निश्चित रूप से मेरी आत्मा है कि वो महापुरुष थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और परमात्मा ने उन्हें वास्तव में मोक्ष दिया होगा,
निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता है। और मैं फिर प्रभु से एक बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनके आदर्शों पर हम चल पाएँ, उनके जैसे काम हम कर पाएँ, उनके जैसे प्यार भरी वाणी से हम बात कर पाएँ। यही मेरी आपसे बहुत बहुत प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी ने कई अनेकों आत्माएं या कई अनेकों महापुरुष इस धरती से उठा लिए या ले लिए, जिनकी वाक्य में आज के वर्तमान समय में उनकी ज़रूरत थी और उनकी ज़रूरत है और हमेशा भविष्य में भी उनकी ज़रूरत रहेगी। और उनकी जरूरत जो रहेगी उसकी खामी हमारे दिलों में और हम सब के दिलों में जो है कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक अनेश जैन जी नहीं गए हैं, हजारों अनेश जैन यहाँ से गए हैं इस कोरोना की स्थिति को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ और मैं रखना चाहूँगा, जितनी बातें आपने मुझे बताई ये एक पार्टी से होने के नाते तो नहीं बताई या वाकई ऐसे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि मेरे बड़े भाई, मेरे सच्चे मित्र, मैं उनमें कई बार बड़े भाई का रूप देखता हूँ, कई बार मैं उनको सच्चे मित्र का रूप देखता हूँ, कई बार पार्टी के साथी के रूप में एक अच्छे कार्यकर्ता का रूप देखता हूँ। मैंने जितनी बार मैं उनके पास जाके बात करता हूँ, मुझे उनके अलग अलग रूप दिखते हैं, और वो मुझे नहीं, हर पार्टी के इस वार्ड के कार्यकर्ता को। मतलब हम ये लगा लें कि पार्टी से कोई ओतप्रोत वाली चीज़ नहीं है, यहाँ से भाईचारे वाली बात है। देखिए, पार्टी के मैंने कहा अगर जिस रूप में मैं उनको देखूंगा मुझे वो रूप में अच्छे नजर आएंगे। मेरे परिवार में मुझे याद है उन्हें इतना पता होता था कि भाई किस कार्यकर्ता का जन्मदिन है और किसके यहाँ जाना है, और वो बिना बताए, मतलब उस कार्यकर्ता को नहीं पता था, उसके घर पहुँच जाते थे कि भाई आज आपका जन्मदिन है, और कार्यकर्ता प्रफुल्लित हो जाता था, खुश होता था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये कतई अंदाजा मत लगा लेना कि आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पर लोग मौजूद थे तो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था, नहीं, ये कतई मत लगा लेना, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये एक उनकी पुण्य तिथि का कार्यक्रम था, पुण्य दिवस जो है यहाँ पर मनाया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर हम सब मौजूद हैं एक साथ, और इसके अंदर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी थे, साथ साथ आम आदमी पार्टी के थे, अनेकों तरह के लोग यहाँ पर मौजूद थे, और सही मायने में ऐसे अवसर पर हम सबको एक साथ मिल करके जो है उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए, बजाय कि एक किसी पार्टी को लेकर के, हमें पार्टी का ओहदा यहाँ पर छोड़ करके सबको एक साथ होकर के बात करनी चाहिए। वही मैंने जानने की कोशिश की कि एक पार्टी को लेकर के इतने प्रेरित हैं या वाकई उनके अंदर जो गुण थे वो एक भाईचारे को लेकर के, तो उन्होंने बताया हर तरह से वो संपन्न थे, फिर चाहे वो भाईचारे को ले लो, पारिवारिक ले लो, सामाजिक ले लो, राजनीतिक ले लो, तो हर तरह से जो व्यक्ति गुण में संपन्न रहेगा तो उसके लिए हमारे दिलों में हमेशा जो है याद यूं ही बसी रहेगी। जय हिंद।